हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट लेक्चर अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, राइट। तो ये लेक्चर 3 है, इसमें बहुत काफ़ी बड़े एडजस्टमेंट दिए, तो इसमें सब चीज़ कवर कर दूंगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैपिटल, बैंक लोन भी दिया है, फिर मशीन पे एडिशन भी दिया है, तो तुम्हारा सब डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या बनाने का, सिंगल एंट्री में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का है। एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करेगा, अपने को ओपनिंग कैपिटल मिलेगा और क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। तो आप स्टार्ट करते हैं। तो लैंड, तो लैंड क्या होता है, एसेट होता है ना, ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस, 2000 4000। तो इधर लिखेंगे लैंड का 2000, इधर लिखा और 4000 किधर लिखा, इधर लिखा, राइट। लैंड के बाद क्या बोला, फर्नीचर। फर्नीचर भी क्या हो जाएगा, एसेट होगा। फर्नीचर 3000 इधर आया, 4000 इधर आया, राइट। फिर स्टॉक, स्टॉक कितना दिया है, 3100 और 4100, 3100 और 4100, ये भी एसेट होता है। डेटर्स, डेटर मतलब कस्टमर, कस्टमर से पैसा आ रहा है, वो भी क्या होता है, एसेट्स होता है। तो 1600 और 2100, ये तुम्हारा एसेट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्रेडिटर्स बोला है ना, तो क्रेडिटर्स अपना लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स यहाँ लिखेंगे 1500 और 1400, ठीक है। क्रेडिटर्स क्या होता है, लायबिलिटी। बैंक से लोन लिया है, क्या लिया है, तो बैंक, और परसेंटेज भी दिया है, तो ये नीचे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में काम आएगा। पहले बैंक लोन लिख दो, तो 2200। लोन मतलब लायबिलिटी होता है, ठीक है। बैंक, ये होता है बैंक बैलेंस, तो दो दिया है, एक क्रेडिट दिया है और एक 1800 दिया है। CR मतलब करोड़ नहीं है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट वाले को ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। और ये लोन होता है, तो इधर लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट में दिया है 200, और कौन से ईयर में दिया है, 2011 में दिया है ना, 2011 में दिया है, तो 2011 में यहाँ लिखेंगे 200। फिर वापस है बैंक है, 2012 में दिया 1800, 2012 दिया 1800, तो उसको यहाँ लिखेंगे। ये वाला बैंक अपना एसेट्स होता है, क्या होता है, ये वाला बैंक अपना एसेट्स होता है, ठीक है। तो क्या एक नया चीज़ है, क्रेडिट वाला ओवरड्राफ्ट होता है, ओवरड्राफ्ट को क्या बोलते हैं, लोन, क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट को लोन। और ये बैंक बैलेंस है, तो बैंक बैलेंस क्या होता है, तुम्हारा एसेट्स होता है। फिर इसको आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो ये टोटल से ये टोटल माइनस किया जाएगा। तो 2011 को सॉल्व करता हूं, तो ओपनिंग कैपिटल मिलेगा 2300, तो इसको ऐड कर लेंगे, 9100 आ जाएगा, 700, 9700। तो 9700 में से ये सब माइनस कर देंगे, 1500 2200, तो 9700 से में से ये माइनस करेंगे, तो अपने को मिलेगा 5800। कितना मिलेगा, 5800। इसको बोलेंगे कैपिटल, ये तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल है, कौन सा है, सेम। इसको इससे क्या करेंगे, माइनस कर, तो ये 16000 आ गया, 4 4 4 करके, हाँ ये 16000 हो गया तुम्हारा। इधर भी 16000 ज़्यादा लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा है, 16 में से ये अमाउंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको मिलेगा 12400। क्या मिलेगा, 12। ये ओपनिंग कैपिटल हो गया और ये क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो फिर हमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिंगल एंट्री में सबसे पहले शुरुआत क्लोजिंग कैपिटल से करेंगे, और उसमें ड्रॉइंग ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, और एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगा, माइनस होएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल ये होता है 12400, तो 12400 यहाँ लिखेंगे हम लोग, और ये ओपनिंग कैपिटल है वो नीचे लिखेंगे, और लेस होएगा, लेस मतलब माइनस करना, ये रूल तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल ऐड होएगा, उसको ड्रॉइंग ऐड होएगा, बाकी सब क्या होने वाले हैं, माइनस, और जो फायदा होएगा ऐड करेंगे, जो लॉस होएगा माइनस करेंगे। तभी हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालने के लिए रीड करेंगे। इधर अपने को एडजस्टमेंट दिया है, तो एडजस्टमेंट क्या दिया मालूम है, ही स्पेंड 2500, स्पेंड मतलब खर्चा किया उसने, कितना रुपया खर्चा किया, 2500। हाउस होल्ड एक्सपेंस मतलब बिजनेस से खर्चा किया घर के लिए, तो घर का खर्चों को बोलते हैं पर्सनल एक्सपेंस, क्या बोलेंगे, तो पर्सनल को क्या बोलेंगे, ड्राइंग, तो तुम्हारा 2500 ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ड्राइंग। फिर उसके बोला है ही रिसीव गिफ्ट, मतलब पैसा आया, थोड़ा आराम से, रिसीव गिफ्ट मतलब क्या आया, पैसा आया, कितना पैसा आया, 1500, 200 से आया गिफ्ट, वो पैसा उसने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, और डेट भी दिया है, तो इसके पीछे भी कहानी है, समझा दो, अच्छा कितना रुपया आया, 1500 डाला किधर, बिजनेस में, तो बिजनेस में जो भी डालते हैं ना उसको कैपिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। तो बिजनेस में इन्वेस्ट किया 1500 रुपया, तो एडिशनल कैपिटल हो गया 1500, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल और ड्रॉइंग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 14900 आ जाएगा, और ओपनिंग कैपिटल क्या कर देंगे, माइनस, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, माइनस, तो अपने को मिला 13400, एडिशनल कैपिटल माइनस। अब इसमें तो ओपनिंग कैपिटल भी क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा, तो 7600 आ जाएगा, 7600, ये तुम्हारा ट्रेडिंग प्रॉफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुम्हारा ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल को ड्रॉइंग ऐड किया, माइनस एडिशनल कैपिटल, माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब जो फायदा होगा वो ऐड करेंगे, जो लॉस होगा वो माइनस करेंगे। तो अब एडजस्टमेंट देखो बहुत सारे दिए इधर, तो जो फर्नीचर वाला एडजस्टमेंट लास्ट में करा था, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, मेरा सम सॉल्व करने का मकसद यही था। फिर 100 रुपया बैड डेट्स बोला है और RDD बोला है,
तो बैड डेट्स और ऑलरेडी चूना लगाया तो लेस में आएगा, तो फिर यहाँ नाम डाल देता हूँ। तो एक लिख दिया तो न्यू बैड डेट्स, क्या लिख दिया मैंने, न्यू बैड डेट्स, और लिख दिया न्यू ऑलरेडी, क्या लिख दिया, न्यू ऑलरेडी, कितना परसेंट बोला है, 5%। तो आ जाओ, तो बैड डेट्स ऑलरेडी किस पे लिख लेगा, डेटर्स पे लिख लेगा। और डेटर्स का कौन सा वाला अमाउंट लेने का, क्लोजिंग अमाउंट कौन सा लेने का, ओपनिंग पे नहीं निकलने का, क्लोजिंग पे। तो वो वाला मैं यहाँ फाइनल अकाउंट में कैसे सॉल्व करते, वो लिखा डेटर्स 2100। इधर क्या बोला है, 100 रुपया बैड है, तो पहले 100 रुपया माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 100 रुपया माइनस करेंगे, तो 2000 में से 100 गया तो कितना बचेगा, 2000 बचेगा, 2000 100 में से 100 गया तो 2000 बचेगा। फिर आरडीडी किस पे लिख लेगा, 2000 पे लिख लेगा, किस पे आरडीडी लिख लेगा, 2000 पे, कितना बोला है, 5%, कितना परसेंट बोला है, तो 2000 पे 5% निकालेंगे, तो 2000 पे 5% निकालेंगे तो 100 रुपये आरडीडी आएगा। इन दोनों का माइनस किया तो आया 1900, राइट। तो बच्चे लोग मिस्टेक क्या करेंगे, उन लोग 2100 के ऊपर आरडीडी निकाले तो गलत हो जाएगा उनका, माइनस करने के बाद वो आता है उसके ऊपर आरडीडी निकलता है ना, तो फिर अपना दो इफेक्ट आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा। तो न्यू बैड डेट्स कितना है, 100 रुपया, इधर लिखेंगे 100 रुपया, और आरडीडी कितना है, 100 रुपया, और ये पैसा नुकसान हो गया जो आने वाला नहीं है, इसलिए लेस में आएगा। तो ये अपने एडजस्टमेंट किया है फोर्थ वाला। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला 10%, क्या बोला, तो याद करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, लेस में आएगा क्योंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड में आएगा क्योंकि हमको पैसा जो ड्राइंग पैसा लेके गया था उस पर इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, दोनों पे लिख लेगा, एक ओपनिंग कैपिटल पे भी लिख लेगा और एडिशनल कैपिटल पे लिख लेगा, किस पे लिख लेगा, एडिशनल। तो इंटरेस्ट कैपिटल ओपनिंग पे लिख लेगा और एडिशनल पे लिख लेगा, राइट। तो ओपनिंग कैपिटल कितना है अपने पास, 5800, ओपनिंग कैपिटल कितना है, 5800। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 5800 पे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। और कितना परसेंट कैपिटल बोला है, 10%, कितना परसेंट, इसलिए 10% लिखेंगे। और ये ओपनिंग है तो पूरा 12 महीने का रहता है, पूरा 12 महीना चलता है ना ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि स्टार्टिंग से है ना, स्टार्टिंग से रहता है, तो पूरा 12 मंथ का, तो 5800 का 580 आया। फिर जो एडिशनल कैपिटल लेके आया, उसको गिफ्ट मिला था फ्रेंड से 1500, वो कब लेके आया, अक्टूबर में लेके आया, अपना ईयर एंड होता मार्च में, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 6 महीने का इंटरेस्ट, कितने महीने का आएगा, 6 महीने का आया। तो एडिशनल कैपिटल कितना था, 1500, है ना, तो 1500 के ऊपर 10% निकालेंगे और 6 महीना, कितना महीना निकालेंगे, 6, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, 1 2 है ना, 150 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो 75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 75। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, ओपनिंग कैपिटल पे कितना आया, 580, और एडिशनल कैपिटल पे कितना आया, 75, और ये दोनों लेस में आएगा, ठीक है। उसके बाद तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बोला, तो ड्राइंग कितना है, उसने पैसा कितना ड्रॉ किया, 2500 निकाला ना उसने घर के लिए, राइट, उस पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो ऐड में आने वाला है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, 2500, राइट, इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2500, और कितना परसेंट बोला था उस पर, 12% बोला था, तो 12% लिखा, 12% बोला था ना, राइट। और ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा ना 6 अपॉन 12 का निकाला है, एवरेज ईयर का निकाला जाता है, क्योंकि कब विड्रॉ करता है कुछ आइडिया नहीं रहता, इसलिए 6 मंथ का रूल के हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 12 12 कैंसिल, 2020 कैंसिल, फिर 2500 को 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 150। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा तुम्हारा, ऐड होगा, क्या होगा, ये ऐड, 6 अपॉन 12 कंपलसरी लेना ही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, एक बात याद रखना। अब देखो इधर बैंक से लोन लिया है 2200 ना, बाजी में देखो परसेंट दिया है, तो बैंक को भी इंटरेस्ट देना है, मतलब ये भी एक एडजस्टमेंट है, हिडन एंट्री है। तो बैंक लोन था ना 2200, उसके ऊपर आप क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, कितना परसेंट, 15%। इधर देखो कोई डेट दिया है क्या, डेट नहीं दिया ना, मतलब 12 अपॉन 12 रहेगा, डेट नहीं दिया रहेगा तो 12 अपॉन 12। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन सॉल्व करेंगे तो तुमको 330 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 330, ठीक है। तो ये 330 किधर आएगा, लेस में आएगा, किधर आएगा, लेस में, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 330। अब जो सबसे मेन है ना, वो तुमको डेप्रिसिएशन निकालना है, किसके ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है, तो फर्नीचर पे ना बच्चे लोग से क्या मिस्टेक होगा और तुम्हारा क्या ध्यान देने का, देखो अगर मान लो सिर्फ इतना बोला रहता है 10% डेप्रिसिएशन, तो हम क्या करते हैं, 4000 रुपये कितना परसेंट निकालते बस। और अभी इधर ऐसा नहीं है, इधर क्या बोला है, तो पहले फर्नीचर 3000 था और बाद में कितना हो गया, 4, तो टोटल फर्नीचर 4000 है, टोटल फर्नीचर, तो पहले कितने का था, 3, ये 3000 स्टार्टिंग में था, और एक्स्ट्रा कितना खरीदा, 1000,
तो ये स्टार्टिंग से चला, मतलब ये पिछले साल से पूरा 12 महीने चला है। और ये कब परचेस किया है, इन्होंने परचेस किया है 31 मार्च 2012, मतलब ईयर एंड में कभी परचेस किया है 31 मार्च। तो दोनों के ऊपर अलग अलग डेप्रिसिएशन है, तो इसको ए दे देता, उसको बी दे देता। तो जो ए वाला है वो 3000 है ना, 4000 रुपये नहीं निकाला, दोनों को डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया, 3000 और 4 में से 3 गया तो 1, 10%, इस पर 10% निकालेंगे। ओके, और ये पूरा 12 महीना चला, कितना महीना चला, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा 300, कितना आएगा 300। और जो बी वाला है ना, बी वाला फर्नीचर, वो 1000 है, 10% है, और ये 31 मार्च को ख़रीदा, मतलब लास्ट डेट पे ख़रीदा है, तो इसलिए ज़ीरो आएगा, तो इसका डेप्रेशन ज़ीरो आएगा। अगर ये अक्टूबर में ख़रीदा रहता तो 6 महीना आता ना, अगर जैन में ख़रीदा था, जैन फेब मार्च 3 महीने का था, जुलाई में ख़रीदा रहता तो 9 मंथ आता, पर उन्होंने कभी ख़रीदा है मार्च में ख़रीदा है, हाँ, तो इसलिए कितना डेज, 0 डेज, तो 0 डेप्रिसिएशन है। तो फिर फर्नीचर का डेप्रेशन कितना आ गया, 300, कितना आ गया तुम्हारा 300। ओके, तो फिर ये तुम्हारा फर्नीचर का मेन पार्ट था, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे दोनों को ऐड, तो तुमको मिलेगा ऐड वाला अमाउंट 7750, ये पूरा ऐड करके बाहर डाल देंगे, है ना, 300, 100, 400, 500, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका टोटल आ गया 1485, कितना आ गया 1485। ये एक्सपेंस है पूरा, लॉस है, तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये टोटल से टोटल जब माइनस करेंगे तो तुमको 6265 आ जाएगा, कितना आएगा 6265, ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट रहेगा, क्या रहेगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट। तो एक खतरनाक वाला सम था तुम्हारे लिए जो मैंने सॉल्व किया, ठीक है, तो एकदम तुमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, खतरनाक। ठीक है, थैंक यू।